हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर के पहले सीजन के तीसरे एपिसोड को, जिसका नाम है साबितो एंड माकुमो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांजिरो अपनी जर्नल लिख रहा होता है और नेज़ुको सो रही होती है, जहां ओरोकोडाकी आके टांजिरो से ट्रेनिंग पे चलने को बोलता है। यहां हमें पता चलता है कि डीमन स्लेयर कॉप्स में कुछ 100 लोग हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती है और एंशियंट टाइम से अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, पर डीमन स्लेयर कॉप्स के लीडर कौन है ये हमेशा से एक मिस्ट्री है। डीमंस कब, कहाँ, कैसे आए कोई नहीं जानता। डीमंस बहुत पावरफुल होते हैं, उनके जख्म तुरंत भर जाते हैं। कुछ डीमंस सेफ शिफ्ट कर सकते हैं तो बाकी के पास अपनी अलग अलग पावर होती है, जिन्हें सिर्फ सनलाइट या स्पेशल तलवार जो डीमन स्लेयर यूज़ करते हैं उनसे मारा जा सकता है। डीमन स्लेयर इनसे इंसानी शरीर से लड़ते हैं, जिसमें ना कोई स्पेशल पावर है, ना जख्म भरते हैं तुरंत, तो भी वे लड़ते हैं इंसानियत को बचाने के लिए। सर उरोकोडाकी तांजिरो को बताते हैं कि वो ट्रेनर हैं, उनका काम है उस जैसों को ट्रेन करना। और भी ट्रेनर हैं जो अपने हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, और डीमन स्लेयर बनने के लिए उसे फाइनल सेलेक्शन सर्वाइव करना होगा, जो माउंट फूजी कसाने पे होगा, और मैं डिसाइड करूँगा कि तुम फाइनल सिलेक्शन के लायक हो कि नहीं। फिर टांजिरो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें वो दिन पे दिन बेहतर होता रहता है और एक जनरल भी मेंटेन करता है। नेज़ुको के लिए फिर टांजिरो की तलवारबाजी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे उरोकोडाकी टांजिरो से बोलता है कि अगर तुमसे तलवार टूटी तो मैं तुम्हारे शरीर की सारी हड्डी तोड़ दूँगा। इस तरह से और ट्रेनिंग होती है। फिर हमें टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग के बारे में बताया जाता है। फिर उरोकोडाकी टांजिरो को सभी 10 वाटर ब्रीथिंग फॉर्म सिखाना शुरू करता है, जिससे हीलिंग पावर बढ़ती है और एनर्जी भी बढ़ती है। उधर हम देख पाते हैं कि नेज़ुको पिछले 6 महीने से लगातार सो रही है, जिसे डॉक्टर भी देखता है, पर सब नॉर्मल होता है। टांजिरो अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लेता है और उरोकोडाकी टांजिरो को फाइनल सेलेक्शन पहुँचने के पहले एक टेस्ट देता है और एक बहुत बड़े पत्थर को 2 हिस्से में काटने को बोलता है, पर टांजिरो से नहीं हो पाता है। फिर टांजिरो वापस से अपनी ट्रेनिंग फुल फोकस के साथ स्टार्ट करता है। तभी ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे एक फॉक्स मास्क पहने लड़का आ जाता है और टांजिरो को फाइट के लिए चैलेंज करता है, और लकड़ी की तलवार से टांजिरो को आसानी से हरा देता है और टांजिरो बेहोश हो जाता है। फिर फॉक्स मास्क वाला लड़का एक लड़की से, जो अपने फेस के साइड पे मास्क लगाई होती है, से कहता है तांजिरो को ट्रेन करने को, जिस पे लड़की का नाम माकुमो होता है और फॉक्स मास्क वाले लड़के का नाम साबितो होता है। फिर माकुमो तांजिरो की ट्रेनिंग शुरू करती है और तांजिरो की हर एक गलती को सुधारती है। तांजिरो के पूछने पर माकुमो बस ये कहती है कि मैं और साबितो उरोकोडाकी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि माकुमो और साबितो अनाथ थे, उन्हें उरोकोडाकी ने पाला और ट्रेन किया। फिर टांजिरो ट्रेनिंग करके 6 महीने बाद साबितो को चैलेंज करता है। इस बार साबितो भी असली तलवार के साथ आता है, जिसे टांजिरो एक वार में ही हरा देता है और उसके मास्क काट देता है। हम देख पाते हैं कि साबितो ये देख के स्माइल करता है और गायब हो जाता है माकुमो के साथ। और यहाँ हम देख पाते हैं कि टांजिरो ने वो बहुत बड़ा पत्थर काट दिया होता है उस अटैक से जो उसने साबितो पे किया था। और दी एंड। अगर आपको ये एपिसोड या कोई भी एनिमे डाउनलोड करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।